बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाकिस्तानियों अली अमीन गंडापुर को लेकर इस वक्त ये जो सारी सूरत हाल सामने आई है, मैं आपसे अपील करता हूं कि बराए मेहरबानी आप इस पर किसी भी किस्म की राय से इज्तनाब करें। जब तक के इमरान खान साहब का कोई मौकफ इस सारी सूरत हाल के बारे में और अली अमीन गंडापुर के हवाले से सामने नहीं आता, जब तक इमरान खान साहब की कोई बात सामने नहीं आती, मेरी आपसे अपील है कि तब तक आप इस सारी सूरत हाल को देखकर अली अमीन के बारे में किसी भी किस्म की मनफी बात से इज्तनाब करें, गुरेज करें। पाकिस्तानियों, मुझे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में 14 साल होने को है, अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल, और मैंने इन 14 सालों में हर मुश्किल वक्त में देखा, चाहे वो धरना हो, चाहे वो पनामा की तहरीक हो, या कोई भी मुश्किल वक्त हो तहरीके इंसाफ पर, मैंने हमेशा अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब के शाना बशाना देखा, डट कर खड़े देखा। जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैं जानता हूं कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब का एक जानसार और वफादार साथी है और इस तहरीक का वो हीरो भी है। इस तहरीक के केपीके का हर एक कारकुन वर्कर जो उस दिन अली अमीन गंडापुर के काफले में साथ चलकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था, वो सब केपीके के मेरे भाई इस तहरीक के हीरो हैं। पाकिस्तान की अवाम जो इस्लामाबाद पहुंची, वो इस तहरीक की हीरो है। आज मैं समझता हूं कि तहरीके इंसाफ जो है वही पाकिस्तान की अवाम है, यानी पीटीआई ही पाकिस्तान की अवाम है, या यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान के अवाम के जमीर की अलामत जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूं कि इस तहरीक में शामिल जिस तरह हर वर्कर, हर कारकुन, हर वोटर, हर सपोर्टर, हर पाकिस्तानी इस तहरीक का हीरो है, उसी तरह अली अमीन गंडापुर इस तहरीक का हीरो है। लिहाजा जब तक इमरान खान साहब की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आता, उनका कोई मौकफ इस पर सामने नहीं आता, उनकी कोई बात सामने नहीं आती, मेरी आप सबसे ये अपील है, ये गुजारिश है कि आप अली अमीन गंडापुर के बारे में किसी भी किस्म की मनफी राय से इज्तनाब करें, गुरेज करें। एक अदना वर्कर कारकुन इमरान खान का उम्रदार पाकिस्तान जिंदा।